अंतरिक्ष में एक और इतिहास बनाने जा रहा है भारत। 2022 में चांद पर मानव मिशन के लिए तैयार है भारत। गगनयान के जरिए इतिहास रचेगा भारत। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना हमेशा दुनिया भर के देशों के लिए एक सपने जैसा रहा है। भारत ने करीब 5 साल पहले एक इतिहास रचा था जब किसी देश ने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। अब साल 2022 तक चंद्रमा पर एक मानव मिशन भेजने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 अनमैन्ड 1 मैन्ड यानी मानव युक्त फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इसकी लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का लक्ष्य 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है। इसरो ने गगनयान परियोजना में मदद के लिए रूस की लॉन्च सेवा प्रदाता ग्लाव कॉस्मोस से समझौता किया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में मानव स्पेस मिशंस के लिए जरूरी तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। भारत के 2022 में अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाने के 6 दशक पहले ही रूस अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को अंतरिक्ष भेज चुका है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन, केवल ये 3 देश ही मानव स्पेस परियोजना को सफलतापूर्वक चला पाए हैं। लेकिन 2022 में संभवतः भारत भी ये कीर्तिमान हासिल कर लेगा और मानव स्पेस परियोजना चलाने वाले देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेगा।